क्षति प्रतिपदा तिथि जब है आती इस दिन सब ये पर्व मनाते गोवर्धन की महिमा गाते सारे अपने घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत श्रद्धा भाव से सभी बनाते Oh,
जो ना बात मानते, खुद को ना उलझन में डालते। इंद्र को ऐसा क्रोध है आया, कृष्ण ने क्रोध उन्हें दिलवाया। ब्रज मंडल के सब नर नारी मन में चिंता लेकर भारी, श्री कृष्ण के पास थे आए, अपनी चिंता उन्हें बताए। Oh,
दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था और 7वें दिन भगवान ने इसे नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट पर्व मनाने की आज्ञा दी। तभी से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है भक्तों। इसे अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अभिमान को समाप्त किया था। इस दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन भगवान के चित्र को बनाकर उनकी परिक्रमा लगाते हैं और 7 बार परिक्रमा लगाने से उनके पूजन से सभी तरह के दुखों का नाश होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हम गोवर्धन महाराज की तुमको कथा सुनाते हैं। हाँ कथा सुनाते हैं। क्यों गोवर्धन पूजा होती आओ बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम गोवर्धन महाराज की तुमको कथा सुनाते हैं।
यशोदा माता से तब पूछने जाते हैं, हाँ पूछने जाते हैं, क्यों गोवर्धन पूजा होती आओ बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गोवर्धन महाराज तुम रखना सबकी याद, हे गोवर्धन महाराज तुम रखना सबकी शीश झुकाते हैं सब शीश।
शीश झुकाते हैं। क्यों गोवर्धन पूजा होती आओ बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गोवर्धन महाराज तुम रखना सबकी याद, हे गोवर्धन महाराज तुम रखना सबकी याद।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की। भक्तजनों, गिरिराज जी महाराज भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले में स्थित हैं। यहाँ भक्तजन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर उनकी और गोविंद हरि की कृपा को प्राप्त करते हैं। भक्तों, गोवर्धन गिरिराज जी इतने महान कैसे बने, कैसे कृष्ण कन्हैया लाल जी के राज दुलारे बने और कैसे इनका संबंध देवराज इंद्र के मान घटाने से है, आइए वेद पुराणों में वर्णित ये पावन गाथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी, आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। है कृष्ण की ये लीला वेदों ने है बखानी, सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी, आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। कथा इस प्रकार से है भक्तों, आषाढ़ का महीना था, भगवान श्री कृष्ण अन्य गोप ग्वालों के साथ वन में गैया चरा रहे थे कि तभी कुछ गैया गोवर्धन पर्वत की तलहटी की ओर चली गई। भगवान कृष्ण और ग्वाले जब गैया माता को लेने वहां गए तो क्या देखते हैं कि कुछ गोपिकाएं तरह तरह के पकवान बनाकर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर देवराज इंद्र की स्तुति गा रही हैं, नाच रही हैं। भगवान कृष्ण के पूछने पर वो उन्हें बताती हैं कि यदि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तभी तो इस माह में अच्छी वर्षा होगी और तभी धन धान उगेगा और हरियाली छाएगी जिससे हमारी गौ माता चारा प्राप्त करेगी। कान्हा अचंभे में घर की ओर आते हैं और घर आकर माँ यशोदा को देखते हैं तो क्या पाते हैं, आइए सुनते हैं। इंद्र पूजे पकवान थी बनाती, माता भी इंद्र पूजे पकवान थी बनाती। हे महान इंद्र देवा कान्हा को थी बताती, माता की सुन के वाणी हुई कृष्ण को हैरानी, आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। मैया के समझाने पर कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ सारी सृष्टि में वर्षा करवाना तो इंद्र देवता का कार्य ही है, फिर भला इनकी पूजन अर्चन क्यों करनी पड़ती है। मैया ने बात सुनी अनसुनी कर दी, तब कान्हा ने यही बात गोप गोपिकाओं को जाकर बताई और समझाया कि यदि पूजन करना है तो गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए, यही पर्वत तो मेघों को हमारे गोकुल के ऊपर रोकता है ताकि वर्षा होती है, इसी से हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरियाली छाती है जिसे गैया माता चारा समझकर खाती और ढेर सारा दुग्ध देती है,
इसलिए मेरी बात मानो और इंद्र का पूजन अर्चन बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आरंभ करो। भगवान कृष्ण की बात गोप गोपिकाओं की समझ में आ गई। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इधर हर आषाढ़ के महीने देवर्षि नारद इंद्र की पूजा देखने गोकुल में आते थे। इस वर्ष भी जब वो गोकुल में आए तो क्या देखते हैं, आइए सुनते हैं। गोपियों ग्वाल मिलके गिरिराज को है पूजे, और इंद्र को जरा भी कोई ग्वाल भी न पूजे, अभी इंद्र को मैं जाके सारी कहूँ कहानी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। देवर्षि नारद यह सब देखकर इंद्र के दरबार में आए और सारी बात इंद्र को सुनाई। इंद्र ने जब ये सुना कि समस्त गोकुल वासियों ने उसका पूजन अर्चन बंद कर दिया है, बहुत क्रोधित हो गया और मेघों को आदेश दिया कि जाओ और गोकुल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा गोकुल डूब जाए, ध्यान रखना कोई बचने ना पाए। मेघ बेचारे सत्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात श्रीहरि का अवतार हैं, पर क्या करते, अपने देवराज इंद्र की आज्ञा कैसे ना मानते। सो गोकुल के ऊपर गए और बारिश बरसाने लगी। पहले तो सबने सोचा आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, परंतु जब तीन दिन तक लगातार बारिश हो गई, सारा गांव डूबने लगा, तब सारे गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण के पास में आए और शिकायत के स्वर में उनसे ये कहने लगे। तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा, बातें तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा, अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा, गलती हुई है हमसे बातें तुम्हारी मानी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। सात दिनों तक लगातार वर्षा होती रही भक्तों, सारा गोकुल लगभग लगभग डूबने लगा था, गोधन अन्न धन की बर्बादी हो रही थी, सभी लोग कन्हैया के पास जाकर हाहाकार कर रहे थे। तब कन्हैया ने सभी को अपना गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आने को कहा। जब सारा गोकुल अन्न धन लेकर गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी प्रारंभ की। एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, सब हैरान हैं कि कन्हैया ये क्या कर रहे हैं, के तभी दूजा हाथ पर्वत के आधार के नीचे घुसाया और हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज महाराज को उठा लिया। सब भगवान कृष्ण की लीला देखकर हैरान है। सभी को भगवान ने आदेश दिया कि सब पर्वत के नीचे आ जाएं और बारिश से अपना बचाव करें। सारा गोकुल अन्न धन गोधन लेकर पर्वत के नीचे आ गया और बारिश से बच गया। इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ तो देवर्षि नारद के सहित वहां पर साक्षात आ गया।
तब क्या देखता है कि एक हाथ से तो कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरे हाथ में इतना विशाल गोवर्धन गिरी मात्र एक नाखून की नोक पर उठा रखा है। इंद्रराज कुछ समझ पाता कि तभी श्री हरि ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप देखकर इंद्र थर थर कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए, एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए, और रूप अपना विष्णु दिए इंद्र को दिखाए, चरणों में आके उसने गलती की माफी मांगी। आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। इंद्र ने मेघों को तत्काल आदेश दिया कि बारिश बंद कर दे और कान्हा की शरण में आकर हाहाकार करने लगा। कृष्ण कन्हैया ने उसे समझाया कि हे इंद्र, पूरी सृष्टि में बारिश करवाना यह तेरा कार्य है, फिर तू अपनी पूजा क्यों करवाता है। इस पर इंद्र ने कहा, भगवन आज के बाद मैं पूरी सृष्टि में आवश्यकता अनुसार बारिश करवाऊंगा, परंतु कृपा कर मुझ पर क्रोध न करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, परंतु तुम्हारे नेत्र खोलना भी आवश्यकता। इंद्र क्षमा मांगकर देवर्षि नारद के साथ स्वर्गलोक लौट गया और इधर सभी गोप ग्वाले कान्हा और गिरिराज जी महाराज की जय जयकार करने लगे। तभी से भक्तों, गिरिराज जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के लाडले माने जाते हैं, बड़भागी माने जाते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो ऐसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाकर उनका और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। बड़ भाग गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, बड़ भाग गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, माटी से सबने भक्तों चंदन तिलक लगाया, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, महाराज
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोपे पान चढ़े रे तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े रे तोपे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरो नाम पढ़ियो है गिरधारी, ओ तेरो नाम पढ़ियो है गिरधारी, लियो नख पे लियो नख पे लियो नख पे गिरवर धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सब दे रे सब दे रे सब दे रे नर और नार, हाँ नार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, कंठी की अजब बहार, हाँ बहार तेरे माथे मुकुट विराज रहा।